धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बालाजी सरकार आज पटना पहुंचे हैं, जहां लोगों में उनके दर्शन के लिए होड़ सी लग गई है। साथ ही जय श्री राम के नारे से माहौल गूंज उठा। शास्त्री जी पटना एयरपोर्ट से कार से गांधी मैदान स्थित होटल पनास आए, जहां उनकी गाड़ी सांसद मनोज तिवारी चलाते हुए देखे गए। वो हमको बोले कि मनोज, जब मौका मिले सबको बोलो, हनुमान जी की कथा है, सभी कोई आए। अगले 5 दिन तक संसार में कहीं बाहर रहेगा तो बिहार में रहेगा। आप विरोध कर रहे हो, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो बाबा का बिहार दौरा पर विरोध जता रहे हैं? देखिए, इससे बचना चाहिए, उन लोगों को भी कथा सुनने आना चाहिए। बिहार की संस्कृति किसी के भी कथा का या किसी व्यक्ति का विरोध नहीं है। वो जितनी बातें कह रहे हैं सब अपनी आस्था और धर्म की बातें हैं। सभी को अपने धर्म का बात कहने का अधिकार है, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान करना भी जरूरी है, और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी वो करते हैं। मैं उनके बिहाफ में, एक उनके बागेश्वर बालाजी के भक्त होने के नाते, मैं मुंडेश्वरी का भक्त होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूं कि सभी लोग आएं और बिहार की संस्कृति जो होती है ना, अतिथि देवो भव, उसका सम्मान करें, और कर रहे हैं। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं बिहार के सरकार के साथ साथ बिहार की पुलिस ने जो व्यवस्था की, और बिहार के लोगों ने, युवाओं ने जो स्वागत किया है। जय बिहार। इनके अलावा और भी बड़े नेता भी यहां देखे गए। बिहार के लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। ऐसे लोग, हमारी आत्मा है बिहार, हमारी आत्मा है। सच बताएं, यहाँ विरोध हुआ, हृदय कहीं नहीं, बिहार में अब बाहर है, बिहार में बाहर है। आज यहाँ विरोध हुआ बाबा, कि अगर बिहार में आकर आप हिंदू मुस्लिम करेंगे तो विरोध होगा। आरजेडी ने कहा हिंदू मुस्लिम नहीं, हम तो हिंदू हिंदू करते हैं। शास्त्री जी का हनुमंत कथा आज 5 बजे से तरैत पाली मठ में शुरू होना है, जहाँ लोगों का हुजूम पहले से ही उनका इंतजार कर रहा है।